हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग फिर से आ चुके और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का गेम प्ले। इसी के साथ ही एंट्री होता है कोचिंग की। आस पास ढेर सारा बंदा हर मैच की तरह इस मैच का भी शुरुआत होता है लूट से, तो जल्दी से लूट कर लेते हैं। और बगल में एक बंदा कूदा है तो उसको पहले लॉबी में भेज देते हैं। चलो यूं भी मिल गया, आप घुस जाते हैं। सामने वाला घर से ही तो फुटस्टेप आ रहा था, लेकिन ऊपर आके पता चलता कि बंदा नीचे कूद गया, लेकिन वो वापस भी आता है मारने के लिए। देखो आ गया, हल्का डैमेज, रीलोड पे आ गया। आइए, चलो गाइस हील का शुरुआत तो हो चुका है, जल्दी से हील करके लूट करना पड़ेगा क्योंकि पूंछी की में अभी बहुत सारा बंदा बचा है। और एक बात गाइस, ये वाला मैच में हम पूंछी की में 16 किल कर लेंगे और एक ही घर में लगातार मेरे ऊपर 4 से 5 स्क्वाड रश भी करेगा, तो ये वाला मैच इंटेंस से भी कुछ ऊपर होता है, तो ये वाला मैच में ही होगा। तो देखो गाइस कैसे हम पूंछी की क्लियर करते हैं। अब आगे जाते हैं लूट करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे 2 बॉट आ जाते हैं, तो बॉट को मारते पहले। 2 बॉट मारने के बाद मेरे पास अच्छा खासा लूट तो हो जाता है, लेकिन पीछे से मेरे टीममेट्स को किसी ने फिनिश कर देता है, तो बदला लेना पड़ेगा। सामने कहीं पे होना चाहिए, ये देखो गाइस चाचा क्रॉस कर रहा है। चलो चाचा को तो हाई बोल देते हैं। ओ भाई साहब, क्या ही बोले भाई। गाइस मेरे को एकदम पता नहीं था कि और एक बंदा उधर छुपा हुआ है, हम तो आराम से उसको फिनिश करने के लिए गए थे। कोई बात नहीं गाइस, एक बार हम घुटने पे आए ना, और एक बार भी हम इस मैच में घुटने पे नहीं आएंगे। अब देखो गाइस हम हील करके नीचे कूद जाते हैं क्योंकि एक नीचे नॉक पड़ा हुआ है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, फिर से मेरा बेइज्जती हो जाता। कोई बात नहीं गाइस, मेरे को नहीं मार पाता है, तो जल्दी से लूट करके हम पीछे चला जाता है क्योंकि मेरे को हील करना है। अरे घर में चारों तरफ से पड़ भी रहा है, तो हम पीछे फॉल बैक करके हील करने के लिए इधर बैठ जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पे स्क्वाड हाउस से मेरे टीममेट्स को किसी ने नॉक कर देता है, तो जल्दी से हील करके इसको रिवाइव देना पड़ेगा। अब स्क्वाड हाउस में बंदा है या सामने भी बंदा एक दिख जाता है, हल्का डैमेज तो देते लेकिन बंदा कवर में चला जाता है। कोई बात नहीं गाइस, इसको बाद में देखेंगे। अब स्क्वाड हाउस वाले को देखना है जो मेरे टीममेट्स को नॉक किया, तो हम आगे जाके टीपी पे लेके देखने की कोशिश कर रहे थे कहाँ पे है बंदा। दिख गया बंदा, चलो इसको नॉक करके तुरंत हम रश भी कर देते हैं। ओ भाई साहब, क्या ही रिफ्लेक्स था भाई, ओपी बोलते। तो चलो अब ऊपर देखते और कितना बंदा है। ऊपर तो मेरे को नहीं लगता और कोई है, लेकिन कोई मेरा टीममेट्स को फिर से नॉक कर देता है। पहले मेरा एक किल सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद हील करते हैं क्योंकि मेरा एचपी डाउन हो चुका है। अरे ये वाला स्क्वाड में आप देखिए 4 से 5 स्क्वाड हम लोग के ऊपर रश करेगा। एक मौका ऐसा भी आएगा कि हम अकेले फंस जाएंगे चारों तरफ से, तो देखो गाइस हम कैसे सर्वाइव करते हैं। इधर ऊपर और एक नॉक पड़ा हुआ है, अब दूसरे वाले को फिनिश करके हम ऊपर चला जाते हैं क्योंकि मेरे को देखना है कहाँ कहाँ पे बंदा है। रेड हाउस में एक बंदा दिखा, राइट साइड में हम स्मोक का वॉल बना देते हैं क्योंकि मेरे को एक साइड में ही देखना है, राइट साइड वाले को बाद में देखेंगे। अब मेरे को पता है रेड हाउस में भी बंदा है, लेकिन लेफ्ट में और एक बंदा दिख जाता है। ये वही बंदा होता है जो सैक के पास पहले एक बार बच चुका है, लेकिन सेकंड टाइम भी बच गया। कोई बात नहीं गाइस, 2 बार बच चुका है, लेकिन तीसरा बार बचने का मौका नहीं देंगे और इसको हम 2 बार मारेंगे। रेड हाउस वाले को नॉक तो कर देते लेकिन मेरा एक टीममेट्स नॉक पड़ा हुआ है, तो इसलिए रश नहीं करते। लेकिन उसी टाइम पे एक बंदा रिकॉर्ड होकर मेरा एक टीममेट्स को फिनिश भी कर देता है, एक को नॉक भी कर देता है, तो नीचे जाके देखना पड़ेगा कहाँ पे बंदा। चलो चाचा को तो पूरा फिनिश कर देते, लेकिन आप फुटस्टेप देखिए गाइस, अब कोई ऊपर आ रहा है। चलो इसको भी लॉबी में भेज देते हैं। अब सामने एक बंदा दिखा, इधर से मरने की कोशिश तो करते हैं लेकिन एंगल नहीं बनता है, और एक बंदा क्लोज इन कर चुका है। अब देखो गाइस ये वाला मॉली से हम कैसे बचते हैं, हम जल जाते हैं लेकिन उसी टाइम पे हील करना भी चालू कर देते हैं, लेकिन उसी टाइम पे और एक स्क्वाड आ जाता है जो मॉली करता है उसको फिनिश भी कर देता है, तो मेरे लिए फायदा हुआ। तो अब ऊपर चलते हैं, वो वाला स्क्वाड को देखना है। अब रेड हाउस वाला बंदा भी क्लोज इन कर रहा है, बंदा पत्थर के पीछे चला जाता है, देन एक गाड़ी भी आता है, देन मेरे को पीछे से अलग ही स्क्वाड मारे। सच्ची में बोल रहा है गाइस, इसी टाइम पे मेरा धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था क्योंकि हम इधर अकेले फंसे थे, चारों तरफ से अलग अलग स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर देता है, तो एक स्क्वाड ऊपर आ रहा है, तो इसीलिए हम मॉली करते हैं सीढ़ी पे थोड़ा वेट करने के लिए। अब सामने वाले को देखना पड़ेगा जो पहले पीछे से मार रहा था, ये भी क्लोजिंग करने के लिए स्मोक कर देता है। एक नॉक करके तुरंत हम लेट जाते हैं, लेकिन नीचे वाला बंदा मेरा किल चोरी कर लेता है, लेकिन और एक बंदा है।
लेकिन ये वाला किल भी चोरी हो जाता है। लेकिन सामने और एक बंदा लेटा है तो इसको पूरे लॉबी में भेज देते हैं। अब जल्दी से हिल कर लेते हैं क्योंकि मेरा एचपी डाउन हो चुका है। इसी टाइम पे अगर नीचे वाला स्क्वाड मेरे ऊपर रस कर देता है तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन लकीली वो लोग रस नहीं करते हैं तो इसीलिए हम आराम से हिल कर लेते हैं पूरा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे बंदा है। तीन बंदे का फुटस्टेप आ रहा है, नीचे ही है अभी भी। नीचे वाला स्क्वाड किसी और को मार रहा है, लेकिन सीढ़ी पे कोई आ जाता है इसीलिए मौली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि लो टॉस पे था तो इसीलिए नीचे गिर जाता है। मौली मौली कर रहा है, ऊपर आ रहा है कोई, एक ग्रेनेड करते हैं सीढ़ी पे। लेकिन इसी टाइम पे मेरा एक टीममेट रिकॉल होकर मेरे ऊपर ही आ जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। अब गाइस क्या लगता है, गाइस हम इधर सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं? देखो गाइस क्या होता है, बंदा सामने ही है तो हम चारों तरफ देख रहे थे कि और कहां कहां पे बंदा है, कोई ऊपर भी आ रहा है तो इसलिए हम टीपी भी ले रहे हैं। इधर आ गया ऊपर, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, एक नॉक करते हैं, एक को हम नॉक कर देते हैं, लेकिन दूसरे वाला प्लेयर मेरे को तुरंत नॉक कर देता है क्योंकि हम गन स्विच करने के लिए गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा टीममेट उसको नॉक कर देता है तो इसलिए हम रिवाइव भी हो जाते हैं। अब गाइस देखो इधर दो फुटस्टेप आ रहा है ना, अभी एक बंदा ऊपर फिनिश हो गया लेकिन नीचे तो और एक बंदा होना चाहिए, तो मेरे को पता है नीचे वो पक्का रिवाइव देगा तो इसलिए हम हील ना करते हुए नीचे कूद जाते हैं। अब मेरे को पता है कहाँ पे है, आइए मजा आ गया, चलो लॉबी में जाओ बेटा, तो जल्दी से हील कर लेते हैं। जो भी बोलिए भैया, हील करके हम ऊपर आ जाते हैं। सामने कोई है, ये शायद बॉट था। हम इधर शांति से बैठ के चारों तरफ देख ही रहे थे, उसी टाइम पे एक बंदा रिकॉल होके कूदता है सामने, तो हम बूस्ट कर लेते पहले देन ऊपर जाते क्योंकि ऊपर से अच्छा खासा दिखेगा मेरे को। लेफ्ट लो, लेफ्ट लो। अब सामने और एक बंदा दिखता है, आइए फाइनली सैक वाले बंदे को हम मार देते। ऊपर और एक नॉक पड़ा हुआ है, एक फ्री का किल भी मिल गया मेरे को। अब सामने देख रहे थे क्योंकि सामने और एक बंदा है, पीछे से भी और एक गाड़ी आ जाता है। 2000 किलोमीटर दूर दो बंदा है तो नीचे चलते पहले, ऊपर आ रहा है, हम देख रहे हैं, हम सीढ़ी पे देख रहे हैं। ऊपर जाना है? नहीं, आ रहा है ऊपर, आ गया। आइए गाइस मेरे को नहीं पता दो जन को कैसे मारे, मेरे को नहीं पता, एक बंदे को नॉक किया तो मेरे को पता है, लेकिन दूसरा वाला बंदा शायद पहले ही नॉक हो गया था, तो कोई बात नहीं मेरे टीममेट्स को बचा लेते हैं। अब ऊपर आते हैं फिर से, अब सामने बंदा बच गया, फिर से रेड हाउस में एक स्क्वाड आ जाता है पूरा, लेकिन मेरा टीममेट्स नॉक हो गया, कोई पता नहीं कौन नॉक हुआ था। अब नीचे आ जाते हैं हम, सामने आदमी खड़ा था, अब मेरे को नहीं पता बंदा कहाँ पे एग्जैक्टली, लेकिन फ्री का एक किल मिल जाता है मेरे को। चलो अच्छा ही हुआ, हम लोग इधर वेट ही कर रहे थे लेकिन पीछे से शायद ये लोग निकल जाते तो हम लोग भी जोन में चला जाते हैं। गाड़ी लेके जोन में जा रहे थे लेकिन पीछे से एक बंदा गोली चलाता है तो इसलिए हम लोग पीछे जाते हैं, लेकिन मेरे को नहीं पता मेरा टीममेट कौन सा नशा करके गाड़ी चला रहा है। देखो गाइस कैसे गाड़ी चलाते हैं, तो हम इसीलिए कूद जाते हैं क्योंकि गाड़ी में बैठे रहेंगे तो मेरा पेटी पक्का बनने वाला है। देखो गाइस उसका पेटी तो बन जाता है, तो हम आगे जाके सैक के पीछे चला जाते हैं और एक राइड में स्मोक कर देते कवर के लिए। अब बंदा राइड में आ चुका है, चलो इसको नॉक कर देते पूरा। अब जोन भी आ रहा है, अब गाड़ी भी फूट गया पूरा, तो जल्दी से लूट करके हम जोन में चला जाते हैं, लेकिन पहले हम हील कर लेते हैं। जोन तो निकलो, हील हो जाने के बाद ओपन से हम जोन की तरफ जा रहे थे लेकिन उसी टाइम पे मेरे से स्कैम भी हो जाते हैं। देखो गाइस क्या होता है, हम पूरा ओपन में है, आप देखो गाइस मेरे को पीछे से पड़ने लगता है, हम पूरा ओपन में फंस गए थे और बंदा लेट के अच्छा खासा स्प्रे भी दे रहा था कि इवन रिफ्लेक्स दिखाने का भी मौका नहीं मिला, तो इसके वजह से आज का गेम प्ले इधर ही पूरा खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग का आज का गेम प्ले अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।